दिल्ली सरकार ने बनने से पूर्व सरकार बनते समय सरकार ने जो वादे किए थे वे वादे लेकर सरकार की कथनी और करनी में फर्क आ गया। दिल्ली में जो जितने भी पानी के नाजायज बिल आ रहे हैं उनको जनता देना बंद करे और उसके समर्थन में 10,52,000 लोगों ने अपनी समर्थन की चिट्ठियां आम आदमी पार्टी के जहां अनशन स्थान पर सीमापुरी में हो रहा था वहां लोगों ने दी और उनसे ये भी कहा गया कि जब भी सरकार बनेगी तो जितने भी पानी के बिल हैं आज तक जब सरकार बनने तक सारे बिल माफ कर दिए जाएंगे। लेकिन आज उन वादों का कोई नाम लेने वाला नहीं है और ये बड़ा धोखा है। 10,52,000 लोगों ने के साथ ये परिवारों के साथ ये धोखा है कि उन्होंने ये प्रोमिसिस किया था कि जब भी सरकार बनेगी आपके सारे बिजली के बिल माफ कर दिए जाएंगे। आज लाखों लाखों रुपए के बिल लोगों के घरों में है। रायशुमारी कराइएगा अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, दिल्ली की जनता ये कहती है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, या हमारे सीनियर नेता आम आदमी पार्टी के जिन लोगों ने वादा किया था वो झूठ बोल रहे हैं। जो भी इसमें झूठा हो उसको अपने पद को छोड़ना होगा, चाहे वो विनोद कुमार बिन्नी हो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, उसको अपने पद से त्याग पत्र देना होगा। दिल्ली की जनता किसी को भी झूठे वादों पर माफ नहीं करने वाली है। जन लोकपाल जिस दिन बनाने की बात ही तो उसमें एक टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाया गया था। ये बनाया गया कि सरकार बनने के 14 दिन के बाद 29 तारीख को दिल्ली में जन लोकपाल लागू कानून पास कर दिया जाएगा। तो आपको 10 तारीख से पहले 12 तारीख 11 तारीख में सब वो कानून बन जाना चाहिए था। अगर आप समय सीमा अपनी निर्धारित नहीं करेंगे, अपने अपने बोले हुए वाक्यों पर नहीं टिकेंगे तो जनता आप पर विश्वास करना बंद कर देगी। उसी तरह 2 महीने किसी तरह गुजार के आचार संहिता लग जाए, लोकसभा चुनाव आ जाए, हम लोग सत्ता भोगे, ये इनकी मुझे लगता है अंदर से मंशा है। कहीं ना कहीं हम लोग अगर इस पार्टी से जुड़े तो हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं जुड़े, हम किसी व्यक्ति विशेष से प्रेम करके नहीं जुड़े, हम विचारधारा के साथ जुड़े हैं। लोग नई दिल्ली रिलेशन के पास एक विदेशी महिला के साथ गैंगरेप हुआ, उस पर कोई स्टेटमेंट देने वाला नहीं है। अगर आज मान लो इस सरकार की जगह दूसरी सरकार होती तो ये आम आदमी पार्टी क्या कर रही होती, आंदोलन हो रहे होते, उसकी खाइयां खोदी जा रही होती, उसके खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया गया था। आज स्टेटमेंट तक नहीं है आपकी, एक लाइन भी नहीं बोली आप लोगों ने। शर्म आनी चाहिए आपको महिला सुरक्षा की बात करते हुए। चुनाव के दौरान हमने कसम खाकर जनता को विश्वास दिलाया था कि किसी भी राजनीतिक पार्टी से न समर्थन लेंगे न देंगे, लेकिन पर्दे के पीछे बहुत चतुराई से चंद लोगों ने मिलकर सरकार बनाने का जाल बुना, मिलाकर उसका ये सामने रिजल्ट आया है कि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री मंत्री और भ्रष्ट नेता भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ आपने आज तक एक आदेश तक नहीं दिया है कि इनकी जांच की जाए। सूत्र बताते हैं कि पूर्वी दिल्ली के सांसद संदीप दीक्षित से अरविंद केजरीवाल की बहुत नजदीकियां हैं, बहुत घनिष्ठ मित्रता है। इसी का परिणाम है कि आज जितने भी महत्वपूर्ण फैसले आम आदमी पार्टी में हो रहे हैं उसमें कांग्रेस नेताओं के द्वारा दिए गए आदेश की तरह है।